लो साथियों, सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पर, आज 14 अगस्त आपको पता है और कल 15 अगस्त है। आपको बता दें, आज जो एक्ट जारी किया गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो आज जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से 1,20,000 से भी ज़्यादा, लगभग 1,25,000 के आसपास कर्मचारियों को इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ, साथ में गैस टीचरों को भी इसका फायदा हुआ है। तो यहाँ पर जिसका इंतजार था आपको कि वो पल था कि सरकार घोषणा कर रही, क्या उसको लागू करेगी नहीं करेगी, तो देख सकते हैं आदेश यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे, हरियाणा गवर्नमेंट लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन 14 अगस्त 2024 जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, आप पूरा द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024 देख सकते हैं। यह आप देख सकते हैं, ये एक्ट का नाम ये दिया गया है। और यहाँ पर आपको बता दें, इसमें आपकी जॉब सुरक्षा की गारंटी दी गई है। और यहाँ पर मैटर्स कंसर्न्ड देयर विद ऑफ, जो देख सकते हैं यहाँ पर अलग तरह से, और यहाँ पे क्या कहा गया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इन 75th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये आपको यानी कि 15 अगस्त पर आपको ये बड़ी खुशखबरी यहाँ पर दी है। 15 अगस्त 2024 को जिन कर्मचारियों को 5 साल हो जाएंगे, वो इस एक्ट के अंदर आएंगे। तो बिल्कुल कल का दिन आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बिल्कुल एक्ट तैयार हो चुका है और ये जारी कर दिया गया है, अब आप पर ये लागू हो चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय और डीएनएस 2024 इट कम इन टू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेटेड इन एक्सटेंड द होल ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। ये देख सकते हैं यहाँ पर इनके अपॉइंटमेंट डेट मीन 15 अगस्त 2024, बड़ी खुशखबरी यहाँ पे, 15 अगस्त 2024 को आपका पहला दिन माना जाएगा इस एक्ट के अंदर। बड़ी अपडेट दे सकते हैं, जिसको 14 अगस्त को 5 साल हो चुके हैं और जिनको 15 अगस्त को 5 साल हो जाएंगे, फटाफट से कमेंट कीजिए कितने हमारे कर्मचारी भाई हैं जिनको आज 14 अगस्त को 5 साल हो चुके हैं, जिनको कल 15 अगस्त को 5 साल हो जाएंगे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हुए, और आपके जो अपॉइंटमेंट डेट यानी कि 15 अगस्त से आपकी ज्वाइनिंग है मानी जाएगी। साफ साफ इसमें मेंशन किया गया कि 15 अगस्त 2024 को आपका अपॉइंटमेंट डेट होगा। बिल्कुल 1,20,000 से भी ज़्यादा कर्मचारियों को गुड न्यूज़ यहाँ पे, 15 अगस्त से एक साथ इतने कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिली है, यह आप देख सकते हैं बड़ी खुशखबरी है सभी भाइयों के लिए। और इलीवल जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, मीन यानी कि एन एम्प्लॉय इंगेज कॉन्ट्रैक्ट बेस, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, एडहॉक पर है, और जो आउटसोर्स पर है इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अपॉइंटमेंट डेट, यानी कि इस तारीख को अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे आप एडहॉक पे हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो, आउटसोर्स पे हो, सभी को इसके अंदर लाया जाएगा। आपको बता दें, ये देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज मीन डिपार्टमेंट बोर्ड, यानी कि आप बोर्ड में हो, कॉरपोरेशन में हो, अथॉरिटी अंडर विच द एलिबल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय वाज वर्किंग ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, यानी कि इस एक्ट के तहत आप इस डेट के अनुसार रहेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह आपका अपॉइंटमेंट 15 अगस्त को आपकी पहली ज्वाइनिंग होगी। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको यहाँ पर मिली है। और आपको बता दें, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय यहाँ पर रहेंगे एलिबल, जो इंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द सर्विस ऑफ सच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अपॉइंटमेंट डेट, ठीक है। और यहाँ पर जो ये कुछ अलग है भाई, 50,000 वाले भाइयों का, और इस डिप्लॉय हरियाणा जो, और दूसरा बात, जो कौशल के माध्यम से काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी पर्सन पॉलिसी 2022 एंड इन द सर्विस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अपॉइंटमेंट डेट, देख सकते हैं यहाँ पर, ये बड़ी खुशखबरी यहाँ पे दी गई है। और 50,000 यानी कि जो 50,000 रुपए तक की सैलरी है सभी को उसके अंदर रखा गया, 50,000 से ज्यादा वाले को उसमें नहीं रखा गया, आपको पता है। और जो कंप्लीटेड 5 ईयर सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन फुल टाइम बेसिस एज ऑन अपॉइंटमेंट डेट, यानी कि अपॉइंटमेंट 15 अगस्त है, अगर आपको 15 अगस्त को भी 5 साल हो जाते हैं सर्विस करते हुए, तो आप इस एक्ट के अंदर आएंगे। और यहाँ पर एक और एक्सप्लेन किया गया, आपको बता दें, जो बहुत बड़े काम की बात आप लोगों के लिए, इस चीज़ को समझना होगा। एक्सप्लेनेशन 1 एक्सप्लेनेशन 2 सभी ध्यान से सुने सभी कर्मचारी, द पीरियड ऑफ सर्विस सेल कंसिडर्ड एज द पीरियड ऑफ विच
देख सकते हैं भाई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज हु एलिजिबल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय एंड सेल इंक्लूड द पीरियड ऑफ एनी लीव अप्रूव्ड बाय द, यानी कि आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो आपने उसमें चाहे एक महीने की छुट्टी लियो चाहे छः महीने की छुट्टी लियो, वो सभी काउंट होगा, बशर्ते ये होगा आपके डिपार्टमेंट ने आपकी छुट्टियां मंजूर कर रखी हो, चाहे मेडिकल भी हो कोई दिक्कत नहीं आपको, 5 साल के अंदर आपको कितने भी मेडिकल लियो कितनी भी छुट्टियां लियो, लेकिन आपकी छुट्टियां अप्रूव होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए आपको वो, ठीक है। उसके हिसाब से भी आपको 5 साल हो जाते हैं तो आपको भी इस पॉलिसी के अंदर लाया जाएगा। और जो एक्सप्लेनेशन 2 यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँ, बड़े काम की चीज़ें यहाँ पर आपको बता दें, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ ईयर इंगेज्ड ए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हु हैज रिसीव्ड फॉर एट लीस्ट 240 डे इन ए कैलेंडर ईयर शैल बी डीम्ड टू हैव वर्क फॉर द एंटायर ईयर। ये क्या कहता है, 240 दिन का मामला क्या है, अगर मान लो 365 दिन हो, 365 दिन में से आपको 240 दिन का आपको वेतन मिला है, तो आप भी इनके ऐसे करके आपको 5 साल आपको लगातार कंटिन्यू सर्विस करनी है, यानी कि मान लो एक साल में आपको 240 दिन काम किया, दूसरे में 240, तीसरे में 240, चौथे में 240, पांचवे में 240, ऐसे अगर आपने काम किया तो भी आपके 5 साल कंप्लीट माने जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। और ये इम्प्लॉई है इसके अंदर नहीं आएंगे भाई, वो भाई नाराज मत हो जो इम्प्लॉई इसके अंदर नहीं आएंगे, आप देख सकते हैं, ध्यान से सुनो, हिंदी में बता रहा हूँ, जो सेंटर की स्कीम में काम कर रहे हैं चाहे पेड इन पार्ट और फुल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो भी है पार्ट एंड फुल स्कीम जो भी है सेन के, आपको चाहे आधी सैलरी दी जा रही हो पूरी सैलरी दी जा रही हो, जो सेंट्रल स्कीम में काम करते हो इसमें नहीं आएंगे। और ये इंगेज होनोनियम बेसिस पर है जो ये कर्मचारी, ये भी इसमें नहीं आएंगे। और जो पार्ट टाइम कर्मचारी है बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो जो पार्ट टाइम कर्मचारी वो भी इसके अंदर नहीं आएंगे भाई, नाराज मत होना मेरे भाइयों, आपके लिए कुछ अच्छा होगा पार्ट टाइम वालों। और ये देख सकते हैं अगला पॉइंट है, अटेंड द एज ऑफ 58, यानी कि अगर कल आपको 58 साल हो जाती है तो आप भी इसके अंदर नहीं आओगे भाई। देखो बहुत से भाइयों को कल 15 अगस्त 2024 को 58 साल भी हो जाएगी, वो इससे बाहर हो जाएंगे, आप इसके अंदर नहीं आओगे, ये बैड न्यूज है। पर अगला पॉइंट है, जो टर्मिनेट किए गए हैं, जो रिमूव हुए हैं बाय द अथॉरिटी, आपके अथॉरिटी डिपार्टमेंट के द्वारा, वो भी इसके अंदर, यानी कि जिनको टर्मिनेट कर दिया गया है, जिनको हटा दिया गया है अब बिफोर द डेट ऑफ कमीशन ऑफ द, यानी कि जब इसकी घोषणा की उस दिन से, तो आप भी इसके अंदर नहीं आएंगे। तो ठीक है, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पर दोबारा फिर ध्यान से। इसमें एलिबल वो कैंडिडेट रहेंगे, आपको बता दें, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज शैल कंटिन्यू वर्क द गोर, यानी कि आप लगातार कॉन्ट्रैक्ट पर हैं तो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट, आप इसके अंदर आएंगे। और अगला पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय शैल रिसीव मंथली रिमेंस पे और लेवल एडिशनल फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द ईयर सर्विस। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं भाई, विभिन्न तरह की चीज़ें हैं आपको, लेकिन मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी है, वही चीज़ें थी। अगर आपका फिर भी डाउट रहता तो मैं आपको जरूर बताऊंगा इससे अगले वीडियो में, पूरा ये पोथा उठा के आपके सामने बैठ के लाइव आपको बताऊंगा मैं, द गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट अमेंड और रिवाइज द शेड्यूल, यानी कि ये कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें डाली गई हैं कि हम इसको चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा ये खबर है यहाँ पर, आप देख सकते हैं भाई सभी भाइयों के लिए। और एक और बता दें यहाँ पे गेस्ट टीचरों के लिए वो बात कही गई, जो गेस्ट टीचरों के लिए था, द प्रोविजन हरियाणा जो टीचर दो एक्ट 2019 सेल भी अमेंड एज स्पेसिफाइड सेकंड शेड्यूल, ठीक है, उसको भी अमेंड किया जाएगा, जो इसमें शर्तें दी गई वो शर्तें उसमें आएगी। और यहाँ पर जो आपको वेतन की बात आती है, अगर आपको 10 साल हो गए काम करते हुए तो आपको 15% मिलेगा आपका, और जिसको 8 साल और 8 साल से 10 तक हो चुके हैं उसको 10% मिलेगा, जिसको 5 साल और 5 से 8 तक हो चुके हैं उसको 5% मिलेगा, जो एंट्री पे लेवल आपका जो रहेगा। और आपको चिराई योजना शायद लाभ मिलेगा, आपको डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट भी दिया गया है भाई महिलाओं के लिए, और बेनिफिट एक्स ग्रेशिया दिया गया है यहाँ पर भाई, जो रूल है उसके अनुसार हरियाणा कौशल निगम इन अकॉर्डिंग विद द पॉलिसी, ये यानी कि आपके भैया हरियाणा कौशल रोजगार की जो पॉलिसी है उसके तहत आपके घर वालों को जॉब मिलेगी। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इस एक्ट के तहत ही जॉब देनी चाहिए थी, ठीक है भाई। और यहाँ पे जो कुछ भी है यहाँ पर हम आपको बताते रहेंगे। और ये गेस्ट, ये सेकेंड शेड्यूल है यहाँ पर गेस्ट टीचरों के लिए भी यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है,
जो चार ये अदर बेनिफिट है जो गेस्ट टीचर को भी यहाँ पे दिए जाएंगे, हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इसके तहत जो 2, 3, 4 एंड 5 ये यहाँ पर बेनिफिट दिया गए हैं गेस्ट टीचरों को भी। तो भाई बढ़िया गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कल 1,20,000 कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा करेगी सरकार, और ये देख सकते हैं एक्ट जारी कर दिया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसमें देखिए भाई कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा सबसे अच्छा फ़ायदा मुझे क्या लगा, 1,20,000 कर्मचारी एक छत के नीचे आ जाएंगे और आप की जॉब सुरक्षा हो जाएगी, आपको अब कोई आपका शोषण नहीं हो पाएगा, सैलरी तो आपको वही मिलेगी। और कुछ भाइयों की सैलरी ज़्यादा, उनको डर है कि हमारी सैलरी कम हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं सैलरी के बारे में बताऊं, आप मुझे कमेंट करें ताकि इस पर मैं कल एक वीडियो बनाऊं अच्छा सा, कि आपको सैलरी जो ज़्यादा मिलेगी, आपको कैसी सैलरी को प्रोटेक्ट होगा आपका सैलरी, सब कुछ हम आपको बताएंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।